मॉर्निंग एवरीवन, मैं आपके फोर्थ क्लास की हिंदी टीचर अनुपमा बोल रही हूँ। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण में हिंदी लेसन फर्स्ट है जो है कि हमारी भाषा में जो कि हम पढ़ चुके हैं कि भाषा क्या होती है, भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के दो रूप होते हैं लिखित रूप और मौखिक रूप, जो तो हमें मालूम है ना। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, वीडियो देखना होगा। वीडियो देखेंगे तो हम और अच्छे से समझ सकेंगे। और हमारे भारत देश में अनेक तरह की भाषाएं, अनेक लैंग्वेज बोली जाती हैं। तो बच्चों जैसे कि हिंदी भाषा हमारी राजभाषा है और अंग्रेजी भाषा हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तो हमें ये सब चीज़ों का मालूम होना चाहिए, जैसे देवनागरी भाषा कौन सी है, रोमन कौन सी है, तो ये सारी लिपियों के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। कौन सी लिपि है, कौन सी नहीं है लिपि, तो हमें सारी याद करनी चाहिए। तो आज हम क्वेश्चन आंसर पूरे करवाएंगे। और जो आपका बचा हुआ वक्त है, जैसे कि जो पीछे रह गया है, वो कंप्लीट पूरा करवा दूंगी। और आपको ये बुक में पढ़ना है, जो कि मैं बुक के द्वारा आपको समझाऊंगी कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का क्या है, माध्यम है ना। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। हमारी भाषा कौन सी है, हिंदी भाषा हमारी कौन सी है, राजभाषा है। तो इन सब चीज को हम रीड करेंगे और जो प्लस वगैरह दिए हुए हैं उन्हें सबको हम रीड करेंगे। व्याकरण वही शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना या पढ़ना सिखाता है। तो ये मैं सब कुछ आपको चैप्टर में सब समझा चुकी हूँ और पढ़ा चुकी हूँ, जिससे आपको सब समझ में आ गया होगा। तो आज हम पढ़ेंगे बुक से। जैसे कि हमने पढ़ा हुआ था ये चैप्टर, हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था, कौन सी हमारी भाषा। तो हमने इसको पूरा रीड किया हुआ था बच्चों, है ना। सांकेतिक की भाषा उसे काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ दो भाषाओं को काउंट करते हैं। लेकिन जैसे सांकेतिक का पूछा जाता है तो उसे भी हम बता सकते हैं कि सांकेतिक भाषा हमारी कौन सी है, ठीक है। तो हमें अच्छे से रीड करना है। बुक ज़रूर परचेज कर लीजिए तो हमें और अच्छे से हम रीड पढ़ सकते हैं और उस चीज़ को समझ सकते हैं। बच्चों आज हम ये चैप्टर पेज नंबर है आपका 8, तो 8 पेज नंबर को हम रीड करेंगे। जैसे कि भाषा क्या है, भाषा विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम है, हिंदी हमारी राजभाषा है, ये सब कुछ बता चुकी हूँ। अब जैसे यहाँ बताया सही का, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है। तो रोहन ने कविता पाठ किया, उसने भाषा किस रूप का प्रयोग किया। हाँ, रोहन ने कविता पाठ किया तो उसने किस भाषा का प्रयोग किया। रोहन ने कविता पाठ को किया तो मौखिक भाषा का उपयोग किया, ना सांकेतिक भाषा थी ना लिखित, है ना, ठीक है। अब ऐसी है, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है। तो पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, ना तो फारसी है ना ही रोमन है, कौन सी है, गुरुमुखी है, ठीक है। ऐसी किसी भाषा की लिपि देवनागरी है, किस भाषा की लिपि जो लिपि है देवनागरी है, हमें वो बताना है। तो इसमें तीन भाषाएं दी हैं और उनमें हमें क्या करना है, राइट आंसर ढूंढना है और उस पर क्या करना है, उसको राइट करना है। तो जैसे यहाँ दिया संस्कृत, मराठी और कौन सी दी, दोनों, कि दोनों ही हैं वो देवनागरी भाषा, दोनों तो नहीं है ना, कौन सी है, संस्कृत है वो देवनागरी है, ठीक है। तो संस्कृत को हम क्या बोलेंगे, देवनागरी लिपि, है ना। ऐसे ही हमने ये सीखा। अब यहाँ दिया चित्र देखकर भाषा के सही रूप पर क्या लगाना है, टिक द राइट का निशान लगाना है, कौन सा राइट, कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो जैसे कि यहाँ बच्चे दिखाया हुआ है, स्टूडेंट है, कि वो लिखित भाषा का यूज़ कर रहा है कि मौखिक भाषा का यूज़ कर रहा है, तो हम बता सकते हैं ना कि वो लिखित भाषा का यूज़ कर रहा है ना, वो लिख रही है ना, हाँ, तो लिखित भाषा का। ऐसे यहाँ पर ये स्टूडेंट है, वो क्या कर रही है, कौन सी लैंग्वेज का यूज़ कर रही है, लिखित या मौखिक, आपको यहाँ पर पिक दी हुई है, उसमें से देख के आपको बताना। तो ये कौन सी ये बोल रही है, जैसे टीचर बोलती है और बच्चे समझते हैं, तो ये कौन सी भाषा हो जाती है, ये हो जाती है मौखिक भाषा। आप थर्ड वाले में देख रहे हैं, ये कौन, जैसे मैच जब खेलते हैं और वहाँ पर जो रहते हैं बताने वाले, तो ये किस साइड जाना है, किस साइड, और जैसे ट्रैफिक में जाते हैं हम लोग, तो वहाँ पर खड़े रहते हैं सिग्नल बताने के लिए, पुलिस खड़ी रहती है ना,
तो वो कौन सी भाषा का इशारा करता है? वो सांकेतिक भाषा का इशारा करता है ना। तो ये देखो ये सांकेतिक भाषा है, ठीक है। इसी तरह ये देखिए ये लिख रही है, लिख रही है तो कौन सी हो गई है भाषा? लिखित की मौखिक। इसमें से हमें एक भाषा चूज करना है, तो ये है लिखित भाषा। ऐसी ये वाली कौन सी है? देखो ये ट्रैफिक को सिग्नल दे रहा है ना, तो यहाँ पे वही सीन दिखाया है कि वो जैसे यहाँ पर इस साइड जाना है या इस साइड जाना है, तो यहाँ पे सांकेतिक भाषा का यूज कर रहा है। कौन सी भाषा हो गई? सांकेतिक। ऐसी ये कौन सी है? आपस में बात करना, मौखिक भाषा। तो हमें इन चीज़ों को देख के भाषाओं के बारे में बताना है कि लिखित है कि सांकेतिक है कि मौखिक है। तो हमने सांकेतिक, लिखित और मौखिक के बारे में यहाँ पर समझा। ये पेज नंबर था आपका एक, अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 9 पर, ठीक है। अब ये उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। भाषा के दो रूप होते हैं, कितने होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। यहाँ ऑप्शन दिया है जिनमें से हमें चूज करना है और यहाँ पर भरना है। ऐसे दिया हुआ है मौखिक ध्वनि के निर्धारित चिन्हों को क्या कहते हैं? मौखिक ध्वनि के निर्धारित चिन्हों को लिपि कहते हैं। हम सबसे अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं, करते हैं ना, लिखित का तो नहीं करते ना। जब हम बोलते हैं, हम सबसे बोलकर ही तो बात करते हैं, तो कौन सी भाषा हो जाती है वो? ज़्यादातर हम मौखिक भाषा का यूज़ करते हैं। तो हमारी राजभाषा कौन सी है? हमारी राजभाषा है हिंदी। चलें अब हम 4th नंबर पर आ गए हैं। जैसे जैसे बताया, भाषा का नाम तथा लिपि का नाम लिखकर खाली स्थान पूरे कीजिए। तो इसमें पूछा है भाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। ऐसे ही पंजाबी, पंजाब की जो पंजाबी दी हुई है, पंजाबी की लिपि क्या है? गुरुमुखी। तो हमें इस तरह से भरना है, लिपि की साइड लिपि और जो लैंग्वेज दी के सामने उसकी लैंग्वेज भरना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ दिया है भाषा उर्दू है ना, फिर भाषा अंग्रेजी, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है? लिपियाँ भरनी है। तो उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है? फारसी। अंग्रेजी की है रोमन। तो इस तरह से हमें पूरा फिल करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने फिलअप भरे और जो रिक्त स्थान थे वो भरे और सांकेतिक भाषा ये सब हमने रीड किया और लिपियों के बारे में रीड किया। अब हमारे क्या रह गए हैं? नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर। तो अब हमने अलग से मैं जो लिखे लिखकर मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे आपको करना है, पूरा लिखा हुआ मैं आपको आंसर इसके रीड करा के बता दूँगी कि कैसे इसको करना है। तो आप बुक में खुद भरिएगा और अलग से मैंने इसके आंसर लिखे हुए हैं, और जैसे कॉपी में जो कॉपी बनाई है व्याकरण की और बुक उससे बनाएगी। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका था कि भाषा किसे कहते हैं, तो भाषा किसे कहते हैं हमें वो बताना है। तो देखिए भाषा किसे कहते हैं, क्लास 4, भाषा किसे कहते हैं? जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने मन की भावों या विचारों को दूसरे के समक्ष प्रकट करता है तथा दूसरों के भावों और विचारों को समझ सकता हो उसे भाषा कहते हैं, है ना। तो उन्हें क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। मौखिक और लिखित भाषा में क्या अंतर है? जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता है, तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। और जब हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है, तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है, ठीक है। और अब हमने जैसे 2 क्वेश्चन हमने क्या क्या कंप्लीट किए, देखिए अब पूछा गया है कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो हमें व्याकरण के बारे में बताना है कि व्याकरण किसे कहते हैं। जैसे कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को सही बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। तो बच्चों हमने
ये क्वेश्चन रीड किए और इनके आंसर हमने यहाँ पर पढ़े, ठीक है ना। तो हमने आज ये चैप्टर हमने यहाँ पर क्या किया, कंप्लीट किया। तो हमें इसी तरह हमें पढ़ना है, और जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इन भाषाओं की लिपियों का कथन चिपका, तो हमें क्या करना है, ये नेट से निकालिए या किसी भी तो पिक निकालिए। जैसे यहाँ लिखा है पंजाबी, यहाँ लिखा है बंगाली, यहाँ लिखा है उर्दू और यहाँ लिखा है तमिल। तो हमें यहाँ पर उन भाषाओं की लिपियों की कतरन चिपकानी है। तो यहाँ पर ये आपका काम है, तो ये आप होमवर्क में करें, और जितनी एक्टिविटी कर सकते हैं वो आपके लिए अच्छा। आप कुछ नया सीखते हैं तो हम घर पर ही हैं इस समय, तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करेंगे तो हम और अच्छा सीखेंगे, ठीक है। तो हमें जितना हो हम उतना पढ़ाई में बिजी रहें, ऐसे टाइम बर्बाद ना करें। तो पढ़ाई में जितना अच्छा करेंगे उतने अच्छे हमारे नंबर आएंगे, है ना। तो हम जितना हो अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें। तो बच्चों आज हम यहीं पर अपनी क्लास ख़त्म करते हैं, और आपको ये सारा वर्क करना है, तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन आंसर। तो टेक केयर, बाय बच्चों, चलिए आज आपकी क्लास यहीं ख़त्म होती है।